मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। तो अभी 6:30 बज रहे हैं और एकदम बाहर ना ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। तो हमारे यहाँ पर ना एकदम ठंडी ठंडी हवा चली रहती है सुबह सुबह, और मौसम ना एकदम से आज ऐसा साफ साफ हो रखा है। और आज तो ना आसमान में एक भी बादल नहीं है, और सामने वाली पहाड़ियों पे ना 2-3 दिन जो है बर्फ पड़ी, और साथ ही साथ ना अभी हल्की हल्की धूप भी आने वाली है। तो वहाँ पर रहे हमारे सूरज भगवान जी। तो चलिए जी, सुबह के खाने की तैयारियाँ भी शुरू हो गई है। तो आज के खाने में मैंने ना सुबह सुबह हल्का सा नाश्ता बना रही हूँ मैं। तो नाश्ते में आज बन रहा है हमारा दलिया। तो दोस्तों ये रहा दलिया। तो आज सुबह के नाश्ते में ना सिर्फ दलिया ही बना रही हूँ, क्योंकि डेली डेली रोटी भी क्या खाना, तो इसलिए आज मैं दलिया बना रही हूँ। तो दोस्तों दिन को तो सिर्फ मैं ही अकेली घर में रहती हूँ, क्योंकि अर्जुन तो स्कूल के लिए चला जाता है। तो देखती हूँ मैं दिन को क्या बनाऊँगी। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मम्मा ने कर दी है। तो फिर आज जा रहा मैं स्कूल, कल परसों चौथे शायद से हमें छुट्टी हो सकती है, 2 दिन तो है पर कल भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब स्कूल पे डिपार्चर है हमारे यहाँ स्कूल पे, तो इसलिए हो सकती है कल भी छुट्टी या नहीं हो सकती है। अगर कल हम स्कूल में जाएंगे तो खाली बैग के साथ जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो घर में मजे करेंगे, 3 दिन सोते रहेंगे। जो मास्क रह गया कोई बात नहीं। और साथ ही साथ ना यहाँ पर खेतों में गेहूं में बीज आना भी स्टार्ट हो चुका है। बीज तो अब क्या ही आएगा, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है, तो दाने तो अब शायद आने से रहे। तो चलिए जी, ये रहा अर्जुन और हम सड़क में पहुंच गए हैं, और गाड़ी भी आ चुकी है। पेंसिल को जेब में डाल दे बेटा, जेब में डाल दे। तो चलिए जी, अर्जुन भी स्कूल के लिए चला गया है। और अभी यहाँ पर ना एक हफ्ते पहले यहाँ पर गौशाला का काम चला हुआ था, तो अभी ये वाली गौशाला भी बनके तैयार हो चुकी है। चलिए जी, घर में झाड़ू पोछा करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ अब अपनी गौशाला में। और जैसे मैं अपनी गौशाला में पहुंची ना, तो वैसे ही देखो जो मैंने अपने घास को ना यहाँ पर एक बिछौना जैसा ढक के रखा होता है, तो उसके ऊपर देखो बिल्ली मौसी पता नहीं कब से सोई थी। तो मेरा तो अभी ना इसकी तरफ इतना ध्यान भी नहीं था, तो अचानक से ना मैं तो एकदम से डर गई। तो देखो एकदम इसको ना नींद आई है, और इसके डर से ना जो यहाँ पर ये
पक्षी आते हैं ना मेरे गौशाला में दाना खाने के लिए, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं इससे, तो ये मुझे लगता है ना कि ये इनको पकड़ने के लिए यहाँ पर छुपी हुई है और तब जाके यहाँ पर सोई हुई है। क्यों बिल्ली मौसी, तो इसलिए सोई है। तो चलिए जी, मैंने दोबारा से दे दिया है इनको, दाना डाल दिया है और ना यहाँ पर ये जो दूसरा वाला पक्षी है ना, ये देख रहा है बिल्ली को और एक तो ले गया है उठा के दाना। तो दोस्तों ये वाले जो पक्षी होते हैं ना, तो इनकी पूंछ जो है कितनी लंबी होती है, कितने लंबे लंबे पंख होते हैं इनके। और इन सब में ना ये वाला जो पक्षी है, ये वाला जो पक्षी है ना, ये अलग सा है। ये वाले अलग है और ये वाला अलग है। तो चलिए जी, अपनी गाय को सुबह का घास डालने के बाद मैं चल पड़ती हूँ अब घास लाने के लिए, और साथ ही साथ मुझे अभी ना खेतों में गोबर का टोकरा भी ले जाने के लिए है। और यहाँ पर मेरे राजा को नींद लगी है, ये धूप में खड़े खड़े ही सो रहा है। देखो तो चलिए जी, अभी कुछ इतना बांध काटा है मैंने, थोड़ा सा ये रहा और थोड़ा सा ये रहा। तो चलिए जी, घास लाने के बाद मैंने अपनी गाय वगैरह को पानी पिला दिया है और अभी आई हूँ मैं। तो दोस्तों अभी आई हूँ मैं अपने फाट से लकड़ियाँ ले जाने के लिए। तो डेली का ना मैं घर जाती बाहर एक भाड़ा लेके जाती हूँ लकड़ी का। तो अभी हमारे फाट में ना यहाँ पर बिजली की तारें गिराई गई है, तो यहाँ पर शायद जो ऊपर हमारे घर के पास बिजली का खंभा था, तो शायद उसको ना कहीं दूसरी जगह पर लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर बिजली की तारें गिराई गई है। तो यहाँ पर जो पोल था ना बिजली का, तो उसको लगा रहे हैं ऊपर। तो चलिए जी, दिन को थोड़ी देर आराम करने के बाद जो है मैंने थोड़ी सी शॉर्ट्स वीडियो बनाई, तो उसके बाद ना अभी मैंने जो सुबह की यहाँ पर सफाई वगैरह की हुई थी, तो देख सकते हैं आप कि मेरा सोफ़ा वगैरह बिस्तर के ऊपर पड़ा है। तो मैंने ना यहाँ पर सुबह का झाड़ू पोछा लगाया था, तो यहाँ से मुझे ना सोफ़ा वगैरह हटाना है बिस्तर से, और बिस्तर से मैं जो भी ओढ़ने की चीज़ें थी हमारी, कंबल और रजाई वगैरह, तो उन सबको मैंने नीचे धूप में सूखने के लिए डाल रखा है। और साथ ही साथ बहुत सारे कपड़े हैं अभी, तो वो सब भी मुझे उठाने हैं। और टाइम लगभग दिन के 3:30 बज चुके हैं, तो अर्जुन भी आने वाला होगा। तो चलती हूँ मैं, दोबारा से अपने काम, और उम्मीद है कि आप मुझे शॉर्ट्स वीडियो में भी बहुत ही अच्छे से प्यार देंगे। तो चलिए करती हूँ मैं दोबारा से अपने काम। तो दोस्तों अभी तो ना हर कहीं देखो कपड़े ही कपड़े रखे हैं, तो इनको उठाने में लगभग मुझे ना आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो ये रहे मेरे दलीचे वगैरह और कंबल रजाइयाँ वगैरह, मैंने सब कुछ बाहर रखी है। और आप देख सकते हैं कि बाहर कितने अच्छे से धूप खिली हुई है, और साथ ही साथ ना सामने वाले पहाड़ों पे बादल आ रखे हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है। तो चलिए उठाती हूँ मैं अपने सारे के सारे कपड़े एकदम जल्दी से। और अभी तो मुझे ना पूरे कमरे की सेटिंग करने को है, तो यहाँ पर मैंने सराहने वगैरह यहाँ पर रखे हैं, और सोफे के ऊपर भी अभी कपड़े रखे हैं, और बिस्तर तो पूरे ही कपड़ों से भरा हुआ है, तो इनकी सेटिंग करने को है, तो जल्दी से कर लेती हूँ मैं। और साथ ही साथ दोस्तों आज हमारी लाइट भी नहीं है, तो आज पूरा दिन हो गया लाइट नहीं है। तो अभी जो हमारे यहाँ पर ना बिजली का काम चला हुआ था, मैं कह रही थी ना आपको थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर एक खंभा लगाने को था नया वाला, तो ताऊजी के घर के पास लगाया उसको, तो उसकी वजह से लाइट नहीं है अभी। तो मुझे लगता है कि लग जाएगा अभी 1-2 घंटे लाइट आने में।
चलिए जी, मेरा कमरा भी एकदम से ऑल सेट हो चुका है और टाइम ना पूरे 4 बज चुके हैं। तो दोस्तों अभी ना यहाँ पर किसी का प्यारा सा कुत्ता आ चुका है, तो इसको दी है मैंने रोटी। तो चलिए जी, अर्जुन भी आ चुका है स्कूल से। कहाँ जा रहा है? मार खाएगा मेरे से? मैंने बोला सीढ़ियों में चढ़ के कहाँ जा रहे हैं? देख देख ले तू अपनी हरकत है अर्जुन, गिरा ना तो 2 चपैड़ फिर मेरे से लगने। हाँ और मैं छुट्टियों पर साइकिल पे करने ले जाऊंगा और उसके पर सड़क पे जाऊंगा। ये अर्जुन मेरे साथ है? नहीं। क्यों? चल पढ़ चल पढ़ जाना, तो पढ़ने का काम करना ठीक है, थोड़ी देर खेलने के बाद। ओके तो चलिए जी, अर्जुन रहेगा घर पे और मैं जाऊंगी अपनी गौशाला। और हमारे यहाँ से ना लगभग धूप जो है उड़ी चुकी है और सामने वाली पहाड़ियों पर है अभी थोड़ी थोड़ी धूप। और दोस्तों धूप की चमक से हमारा शहर ना, छोटा सा शहर कोटली, एकदम से देखो कैसे चमक रहा है। और ऊपर पहाड़ियों पर तो एकदम से अंधेरा हो रखा है, शायद वहाँ पर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही होगी क्योंकि पीछे वाली पहाड़ी है ना, एक भी नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं अपनी गाय के लिए ब्यूल वगैरह ले आई हूँ काट के, और साथ ही साथ मैंने 2 भारी ना लकड़ियों को भी ले आई है। और मैं आपको सामने का मौसम दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रहा सामने का मौसम, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ना हिमालयाज की पहाड़ियों में जो है जोरों की बर्फ़ पड़ रही है इस टाइम, और वहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर भी मौसम जो है लगभग ख़राब हो ही चुका है। ये रहा मौसम का हाल, तो मुझे लगता है कि फिर से 1-2 दिन बारिश होने वाली है क्योंकि काले काले बादलों को देख के तो ऐसा ही लग रहा है।